जब हम संगम पहुंचे तो वहां का ये जनसैलाब और निर्मल नदी अध्यात्म और आस्था का अद्भुत दृश्य पेश कर रही थी। यात्रा की शुरुआत करते करते हम जा पहुंचे दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से आ सकते हैं। पहला है सड़क मार्ग। कुल्लू मनाली दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है, या शिमला से सीधे सड़क मार्ग से जुड़ा है। दिल्ली, चंडीगढ़ व शिमला से कुल्लू और मनाली के लिए हिमाचल परिवहन निगम की बसें उपलब्ध हैं, जिनका साधारण किराया लगभग 470 रुपये से और डिलक्स किराया लगभग 850 रुपए के करीब है। दूसरा है रेल मार्ग। मनाली के लिए सीधी रेल सुविधा तो उपलब्ध नहीं है, पर निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी लगभग 250 किलोमीटर के करीब है। आप शिमला होते हुए मनाली पहुंच सकते हैं। पिंजौर तक रेल द्वारा जाया जा सकता है। दिल्ली से कालका का किराया 150 रुपए है। आप वायु मार्ग से भी आ सकते हैं। वैसे तो कुल्लू मनाली वायु मार्ग द्वारा भी जाया जा सकता है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा भुयंक है, जो मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई जहाज का किराया लगभग 6000 रुपये के करीब है। अभी हम जहाँ पर पहुँचे हैं, ये है सोलंग वैली, जो मनाली से लगभग 13 या 14 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मनाली आएँ और सोलंग वैली ना आएँ तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक्टिविटीज होती है। आप चाहे तो राफ्टिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, बॉल जंपिंग कर सकते हैं, और आप केबल ट्रेन से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ के लिए आपको मनाली के माल रोड से बहुत सारे टैक्सी मिल जाएंगे, जो आपसे पैसे चार्ज करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप निगोशिएट करने में माहिर हैं तो आप 1000 रुपये से 1100 रुपये में आराम से आ सकते हैं। अदरवाइज आपको 1200 से 1400 रुपये पे करने पड़ जाते हैं। मैंने तो केवल 800 रुपये ही पे किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे एक छोटे से ट्रिप मनाली की एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।